नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। गुरुजी, मैं जानती हूं उनकी इज्जत बहुत अजीब है, पागलपन है, लेकिन आप यकीन मानिए, वो सारी जिंदगी बस दूसरों के लिए जीते आए। चेहरे पे कभी कोई शिकन नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, एक रुपया या एक पल भी उस इंसान ने अपने ऊपर नहीं खर्चा। अगर अपनी जिंदगी के आखिरी समय में वो कुछ करना चाहते हैं तो मैं उनका साथ कैसे छोड़ दूं? गुरुजी, मुझे विष्णु के लिए कुछ करने का मौका दीजिए। अगर इंसान को अपनी इच्छा से पुनर्जन्म लेना है तो शास्त्रों के माध्यम से सबसे पहले उसे कुछ कठिन यज्ञ, त्याग और दान धर्म करना पड़ेगा। इससे इंसान के सारे पुराने पाप धुल जाते हैं और उसका अगला जीवन उसके पिछले कर्मों पर आधारित नहीं रहता, और फिर अंत में उसे अपने आकांक्षित चेतन मन के साथ प्रस्थान करना पड़ेगा। आकांक्षित चेतन मन, डिजायर्ड कॉन्शियस माइंड। इंसान के मृत्यु के समय उसके मन में जो भी अंतिम विचार रह जाते हैं उसी के आधार पर उसका अगला जीवन निर्धारित होता है। इसलिए आपको अपने अंतिम समय में अपना समस्त ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा, तभी आपका अगला जन्म आपकी इच्छा अनुसार होगा। और अगर आपका मन थोड़ा भी विचलित हुआ तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो विष्णु जी, क्या आप सचमुच ये करना चाहते हैं? गुरु जी, और कोई चारा भी तो नहीं है? पता नहीं है आज उसका बाप जिस पोजीशन पे, वो सिर्फ मेरे डैड की वजह से। गर्दिशे आफाक, मुझे वो जगह ले आई जहां लायस की जिंदगी मौत की आगोश में सो गई। मैं सच कह रहा हूं ये कॉस्टा। इस बहते हुए लहू की कसम, इस नाम की कसम जो मेरे दिल पे लिखा है, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। टोली में लड़का टीआरपी है। ये सात फेरे, ये अग्नि, ये मंत्र सब धोखा है। सुनील ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, धोखा। उसने ये सिंदूर तुम्हारी मांग में भरा है, मैं उसी के खून से धो डालूंगा, ये वादा है मेरा। तुम सिर्फ मेरी हो किरण, सिर्फ मेरी, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। आई लव यू किरण, आई लव यू किरण, आई लव यू किरण, आई लव यू किरण, आई लव यू किरण। मैंने पहले कहा था ये गड़बड़ करेगा। इट्स ऑल राइट, डोंट वरी। दिस इज क्रेजी, यू सो व्हाट यू जस्ट डिड। आई मीन, दिस कुड हैव बीन फेटल। कम ऑन, रोहित, क्या कहूं मैं आपसे? बॉलीवुड के लिए आपका ये पैशन, ये दीवानगी, ये जुनून मैं समझ सकती हूँ, बट आई मीन व्हाट इज दिस? यू आर नॉट अलाउड टू हर्ट योरसेल्फ। नो मोर ब्लड, बट रोहित आपके पास पूरी आजादी है टू ट्राई समथिंग डिफरेंट फॉर द थर्ड एंड फाइनल राउंड।
मम्मी टीवी वाला है। देखे ये है वो घर जहाँ फ्यूचर सुपरस्टार रहता है। यहीं पे रोहित शायद खेलता होगा, कूदता होगा, खूब सारी एक्टिंग करता होगा कि आज वो इतना फेमस है। चलिए मिलवाते हैं आपको रोहित की मम्मी से। तो जस्सी जी, कैसा लग रहा है आपको अपने बेटे को टीवी पर देखकर? जी, मैं पहले से ही जानती थी मेरा रोहित बड़ा होनहार है, एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। जी भाई, टीवी वाले हैं, टीवी वाले। तो रोहित, क्या लगता है आपको, थर्ड राउंड क्लियर करके आप मुंबई जा रहे हैं? डेफिनेटली, मैं थर्ड राउंड क्लियर कर रहा हूँ और मुंबई भी जा रहा हूँ। ग्रेट, अपने फैंस को, अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपने चाहने वालों से यही कहना चाहूँगा कि मेरे एक्टिंग के स्टंट घर पे ट्राई ना करें, ये खतरनाक साबित हो सकते हैं और रोहित इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। एब्सोल्युटली, ये तो हम भी आपसे कहना चाहेंगे, प्लीज़ ये स्टंट्स आप घर पे ट्राई बिल्कुल मत कीजिएगा। अरे रोहित तो मेरे आंगन में ही तो खेल के बड़ा हुआ है, इतना सा था तब से जानती हूँ उसे, और ये जितनी एक्टिंग और डांस कर रहा है ना, ये सब मुझसे सीखा है। अरे बोल ना, तेरे साथ खेल के बड़ा हुआ है। रोहित तो मैं ना बचपन से साथ साथ ही पले बड़े हैं, और हम तो ना घर घर की जगह एक्टिंग एक्टिंग ही खेला करते थे। हमारा पहला पड़ाव अब लगभग पूरा हो गया है, अब आपको अपना दूसरा पड़ाव शुरू करना है। मैं तैयार हूं गुरुजी, आप आदेश दीजिए, मुझे बताइए क्या करना है। अब आपको अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करके अपने आकांक्षित चेतन मन के साथ जीना है, जो है बॉलीवुड। विष्णु जी, बॉलीवुड बहुत बड़ा है। गुरु जी, मुझे तो बॉलीवुड के एक स्टार के यहाँ पे पुनर्जन्म लेना है। बॉलीवुड में बहुत सारे स्टार्स हैं, आप मुझे अपना सटीक लक्ष्य बताएं। लता जी, ये तो हमने सोचा ही नहीं। ऋतिक, शाहरुख, दोनों के बच्चे हैं विष्णु। ऋतिक के दो हैं और शाहरुख के तीन हैं। अक्षय, दो। सलमान, सलमान की शादी नहीं हुई विष्णु। इनके कमरे को इनके आकांक्षित चेतन मन के अनुसार तैयार कीजिए, जिससे इनकी एकाग्रता बढ़े।
बॉलीवुड स्टार आए नमः, ओम मुंबई 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 स्टार आए नमः, ओम मुंबई स्टार आए नमः, ओम मुंबई इमली, बॉलीवुड जाके हमें भूल तो नहीं जाओगी ना? पता नहीं रे, कुछ भी हो सकता है। वैसे भी लोग बोलते हैं कि मुंबई का पानी सबका रंग बदल देता है। कौन है तू? इमली, जल्दी आ। दमन। दमन कहाँ? टीवी पे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। अब इमली एक प्रोस्टिट्यूट की अनटोल्ड स्टोरी है जिसे अभी तक स्क्रीन पे लोगों ने नहीं देखा है। एंड कमाल की चीज़ ये है कि दिस इज रियलिस्टिक एंड कमर्शियल आल्सो। कायरा मैम, जैसा कि दमन ने कहा, आर यू इक्वली एक्साइटेड? कोर्स आई एम। यू नो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स दैट आई हैव हर्ड रिसेंटली एंड व्हेन आई रेड इट आई जस्ट लव्ड इट। सो आप एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म प्रोड्यूसर हैं, तो ये रियलिस्टिक फिल्म? सिनेमा इज चेंजिंग। दमन की स्क्रिप्ट में वो चेंज है। कमाल की स्क्रिप्ट लिखी है इस लड़के ने, जो मेरे दिल को छू गई, और जो दिल को छू जाए वही सिनेमा है। सर, हमने ऐसा भी सुना है कि आप इस फिल्म के लिए किसी रियल प्रोस्टिट्यूट को कास्ट करना चाहते थे। हाँ, मैं चाहता था कि ये एक रियल फिल्म है, तो मैं किसी रियल ऐसे कैरेक्टर को कास्ट करूँ जिसने वो ज़िंदगी जी है। बट एनीवे, यू नो there's lots of commercial equations and all, and जब भी फिर इमली में जब भी कायरा का नाम आया, this film is big now, कायरा के आने से ये फिल्म की माउंटिंग एंड सारी चीज़ें काफ़ी बड़ी हो गई हैं एंड आई एम हैप्पी नाउ। कायरा मैम, बिकॉज आपको पता है कि मैंने काफ़ी ग्लैमरस रोल्स काफ़ी किए हैं पास्ट में, बट समथिंग लाइक दिस विच इज़ रियलिस्टिक सिनेमा मैं बहुत टाइम से जुड़ना चाहती थी, एंड व्हेन दिस वाज ऑफर्ड टू मी इट वाज लाइक वाओ। एंड ऑल्सो नॉट टू मेंशन आई एम अ थिएटर ट्रेन एक्टर, तो मैं ऐसे ही रोल्स करना चाहती थी। सर, हमने सुना है कि आपने इस फिल्म के लिए काफ़ी रिसर्च किया है। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना है। एक्चुअली मैं चाहता था कि एक कमरे में बैठ के ना लिखूं, इसलिए मैं बाहर निकला और मैं ब्रसेल्स में गया। बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट से इंटरेक्ट हुआ, उनसे मिला, उनसे बातें की, उनके साथ वक्त बिताया, तो उनके लाइफ के इवेंट्स मुझे दिखे, मिले, मैंने उन्हें सुना, जिसे आप स्क्रीन पे देखेंगे। और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, देयर इज होप, देयर इज ड्रीम, देयर इज ड्रामा, देयर सो मेनी थिंग्स। কুকুরের মতো মরে থাকবি তুই রাস্তায়, জল দিবে না। आ गया भैया, आपका टीएलपी आ गया। हाय रोहित। हेलो सर। ऑल गुड? वेरी गुड सर। नाइस। रोहित, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू। और खुश भी बहुत हो गए, तुम्हारी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है, फैंस इतने बढ़ गए हैं। मैंने सुना है तुम्हारे सारे वीडियोस वायरल होंगे। सड़कों पे भीड़ लगी कि नहीं? बैग में क्या है? कुछ नहीं सर, आप टेंशन मत लीजिए। नो मोर ब्लड। ओके, तो आज कुछ नया परफॉर्म करोगे तुम? हाँ। यस सर। गुड, वंडरफुल।
शुरू कीजिए. Can't wait to see you. चलो. हेलो. कोई जानवर तो नहीं है इसके बैग के अंदर जिसके साथ अभी ये रोमांटिक सीन करने वाला है? प्लीज बस करते हैं आप भी हुसैन साहब. आगे मेरी मौत का तमाशा देखने आगे. अब मुझे लटका देंगे. ये तुम्हारी बुजदिली, ये तुम्हारी नामर्दानगी इस देश का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी. कुछ नहीं कहना मुझे, are you okay? Yeah, I'm okay. You sure? Yeah. Oh. क्या हुआ सर? आपको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा? कोई बात नहीं सर, मैं कुछ और करके दिखाता हूँ. मैं कुछ और करके दिखाता हूँ. प्यार का मतलब सिर्फ प्यार का इजहार करना नहीं होता. प्यार बिना कुछ कहे भी प्यार होता है. प्यार कुर्बानी है. प्यार एक दूसरे के लिए चुप रहना भी तो प्यार है. रोहित, 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 हम जैसा टैलेंट ढूंढ रहे हैं वो तुम्हें नहीं है. आई एम सॉरी टू से, पर तुम मुंबई नहीं जा सकते. तो सर आपने कहा था मैं ब्रिलियंट हूँ. मेरे में वो जुनून है, पैशन है मेरे में. आप ही नहीं कहा था सर. रोहित, मैं समझ सकती हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, पैशन इज वन थिंग एंड टैलेंट इज अनदर. हम सब यहाँ बैठे हैं, हम जजेस हैं. वी हैव टू बी फेयर. हम आपको मुंबई नहीं लेके जा सकते. तो आपने फर्स्ट राउंड में क्लियर क्यों नहीं किया? क्यों मुझे इनकरेज किया? क्यों मुझे यहां तक लेके आए? कुछ गलत किया? तुम्हें इनकरेज इसलिए किया क्योंकि एक राउंड में किसी को जज करना इज नॉट फेयर. हमें लगा कि तुम्हारे अंदर कोई एक्टर है तो सेकेंड राउंड में बाहर आ जाएगा. प्लीज सर. रोहित, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, पर आप हमारे साथ इसके आगे नहीं जा सकते. वी आर रियली सॉरी. मैं अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या मुंह दिखाऊंगा अपने दोस्तों को? प्लीज प्लीज ऐसा बात कीजिए. प्लीज रोहित, हमारी बात समझने की कोशिश करो. तुम में पैशन है लेकिन कला नहीं है. मैडम, मैं कला लेके आऊंगा अपने अंदर. मैं कला लेके आऊंगा. कला को लेके आऊंगा? और दिस इज टू मच रोहित. तुम्हें पता भी है कला कहते किसे? कला ऊपर वाले की देन है, ऐसे हर किसी को नहीं मिल जाती है. तुम्हारे अंदर कला का एक पर्सेंट भी नहीं है. तुम एक्टर हो ही नहीं और ना ही कभी बन सकते हो. तुम्हें क्या लगता है ये हाथ काट लेने से, सर पे बोतल तोड़ लेने से कोई एक्टर बन जाता है? और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो यहां जितने भी लोग हैं इन सबसे पूछ लो. अगर कोई एक बंदा बोलेगा ना कि तुम एक्टर बन सकते हो या तुम एक्टर हो,
तो तुम मुंबई जा सकते हो।